सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एजुकेशन एटीटी। आईएससी क्लास 12 जावा में आप लोगों को पढ़ा रहा था। इस टाइम 2018 का एक पेपर सॉल्व किया हमने, दूसरा पेपर कर रहे हैं। और स्टूडेंट देखिए, कोशिश पूरी रहेगी कि 17 मई से लगातार मतलब वीडियोस आएंगी, कोई मतलब ब्रेक होगा नहीं, होपफुली डेली वीडियोज़ आएंगी। और इसी काम एफर्ट लगाते हैं कि जल्दी जल्दी हम लोग कोर्स पूरा करेंगे। कंप्यूटर में बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं बची हैं आईएससी आप लोगों की, मैं आप लोगों को जल्दी जल्दी सारी चीज़ें कवर अप करा दूंगा। इसके बाद जैसे ही आपका कंप्यूटर्स ख़त्म होता है, हम लोग मैथमेटिक्स पे आ जाएंगे, क्योंकि वो एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको थोड़ी मेहनत ज़्यादा है। तो आप लोगों को फटाफट से बस एक ही काम करना है मेरे लिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। टेलीग्राम का मैंने एक अलग से चैनल बना दिया है, उसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, तो कोई क्वेरीज होगी हम लोग वहाँ बात कर लेंगे। और इसके अलावा जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोगों को करनी है, वो ये कि अपने फ्रेंड्स के साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि उनका भी कुछ फ़ायदा हो। और बस देखिए, मुझे आपसे ये चाहिए कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अच्छा सपोर्ट देते हैं। तो हम लोग यहाँ शुरू करते हैं। 2018 का आईएससी का पेपर मैं करा रहा था, और यहाँ पे अब मैं सेक्शन ए पे आ चुका हूँ। मैंने पहले 3 क्वेश्चन करा दिए, अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी है तो आप पहली वीडियो देख लीजिए, प्लेलिस्ट बनी हुई है आपके आईएससी कंप्यूटर की पूरी। अगर आप एकदम से इस वीडियो पे आए हैं तो एकदम शुरू से आप पूरा कोर्स पढ़िए। और हम लोगों का एम चल रहा है कि 100 out of 100 हमको कंप्यूटर में स्कोर करना है। ठीक, तो हम शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए, सेक्शन ए में आपका चॉइस रहता है कि 2 क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करने। क्वेश्चन 4 में आपके बेसिकली 2 कारनों में आप रहते हैं, एक स्टॉप का रहेगा, एक पॉज का रहेगा। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में एक बड़ा सा क्वेश्चन होता है, उस क्वेश्चन को आप लोगों को मतलब 4 इनपुट दिए हैं और कंडीशंस दिए हैं, उस इनपुट के हिसाब से आपको 0 and 1 दिखा करके देखना है कि कौन सी ट्रू होगी, कौन सी फॉल्स होगी। फिर उसके बाद आपको उसमें मतलब मिन टर्म और मैक्स टर्म निकालना होता है। और क्वेश्चन नंबर 6 में आपका या तो एनकोडर, डिकोडर, मल्टीप्लेक्सर में कुछ आता है, फिर आपका जो है हाफ एडर फुल एडर भी पूछ लिया जाता है उसी में कभी कभार, या फिर आपका लॉजिक गेट या डायग्राम वगैरह पूछा जाता है। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन है, 3 में से कोई भी 2। तो मैं देखिए रिकमेंड करता हूँ, तीनों ही ईजी होते हैं, लेकिन मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि कारनो मैप अप ज़रूर से करिए, क्योंकि उसमें चांसेस कम होते हैं। और दूसरी चीज़ आप फिर मतलब आपका ये जो इनकोडर, डिकोडर, मल्टीप्लेक्सर ये वाला जो आता है ये कर लीजिए, क्योंकि वो कंडीशन वाले में हो सकता है कई बार बच्चे गलत कर जाते हैं, तो आप एक रिस्क लेकर इसे मत चलिएगा। तो फिलहाल हम लोग यहाँ पे शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से, जो कि हमारा है क्वेश्चन मतलब पहला है ए, गिवन द बुलियन एक्सप्रेशन एफ ऑफ ए बी सी डी, यहाँ पे है सिग्मा 0, 2, 4, 8, 9, 10, 12, 13। रिड्यूस करना है इसको कारनो मैप को, हमको देखना है कि कितने ऑक्टेट बनेंगे, क्वाड बनेंगे या पेयर बनेंगे हमारे, और लॉजिक गेट बनाना है हम लोगों को। ठीक है, तो ये आपका पहला क्वेश्चन है। तो देखिए अब यहाँ पे क्या है, सिग्मा, सिग्मा मतलब क्या हो जाता है, क्या होता है, ये सॉप है। तो अब देखिए, अब यहाँ देखिए, हमने इधर ए बी लिया, इधर सी डी लिया, ए बी ए बी ए बी ए बी सी डी सी डी सी डी सी डी। ठीक है, 0, 0, 1, उसके बाद वैसे ही मेरी पुरानी वीडियोस आपने देखी हैं तो कॉम्प्लीमेंट लगा देंगे हम लोग। कारनो मैप पे नंबरिंग कहाँ से होती है, 0, 1, 3, 2, 4, 5, 7, 6, उसके बाद स्किप मार के हम नीचे आते हैं, 8, 9, 11, 10, 12, 13, 14, 15। ठीक है, उसके बाद जो है जो जो नंबर्स हैं हम लोग उनको भर देते हैं। ठीक है, नंबर्स भर दिया हमने। अब नंबर्स बनने के बाद हम लोगों को देखना है कि एक्चुअल में क्या क्या बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक क्वाड बन रहा है, यहाँ पे दूसरा क्वाड बन रहा है, और ये यहाँ से ये ऐसे बन रहा है। ठीक है, 3 पेयर बन रहे, एक पेयर बन गया। ठीक है, तो अब हम लोगों को उसको छाट करके जैसे लिखना है, कारनो मैप वाली आपने मेरी वीडियो देखी है तो आपको चीज़ें बहुत आसानी से समझ में आ रही होंगी। ठीक है, प्रोडक्ट हम लोग मतलब जो कॉमन होता है उसको हम लोग लिख लेते हैं, दूसरे वाले को हटा देते हैं, ये लिख लीजिए, दूसरे वाले में भी हम सेम यही काम करेंगे। ठीक है, और ये यहाँ पे अच्छा, अगर किसी को लग रहा है कि बहुत डायरेक्ट हो रहा है या समझ नहीं आ रहा है, तो मैं फिर से कह रहा हूँ मेरी कारनो मैप वाली वीडियो जा करके आप देख लो, तब भी नहीं समझ में आता है तो टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन कर लो, हम लोग वहाँ पर डिस्कशन कर लेंगे, या फिर एजुकेशन एटेंटिव पर आप मुझे पर्सनली भी डीएम कर सकते हो इंस्टाग्राम पर। ठीक है,
इसके बाद हम लोग देखें यहाँ पे बनाएंगे फाइनल रिड्यूस एक्सप्रेशन। फाइनल रिड्यूस एक्सप्रेशन बन गया और फाइनली इसका हमने एक लॉजिक डायग्राम बना दिया, दैट्स इट, खत्म। ठीक, पूरे ये क्वेश्चन कर लिया आपने और 5 नंबर आपके हो गए। आसान है, बहुत आसान है। अगला देखिए, गिवन द बुलियन एक्सप्रेशन एफ ऑफ ए बी सी डी, पाई है यहाँ पे 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 14, 15। फिर से वही हमको देखना है कि कौन से क्वाड बन रहे हैं, कौन से ऑक्टेट बन रहे हैं, कौन से पेयर बन रहे हैं, और फिर से हमको उसके बाद उसका लॉजिक डायग्राम बना लेना है। बहुत आसान है। फिर से हम लोगों ने कार्नोट मैप बनाया, ठीक है। अब की ए प्लस बी होगा, सी प्लस डी होगा, ऑब्वियस ही बात है, बना लिया। ए बी इधर, सी डी इधर, 00, फिर 01, 11, 10। कहाँ कॉम्प्लीमेंट लगेगा? 1 पे कॉम्प्लीमेंट लगेगा, उसमें 0 पे लगता है, इसमें 1 पे लगेगा, लग गया। जहाँ जहाँ नंबर्स हैं वहाँ वहाँ हम लोग क्या भरेंगे? 0 भरेंगे, 0 भर दीजिए। अब उसके बाद चेक करिए कि कहाँ पे क्या क्या बन रहा है, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले एक क्वाड ये बना, एक क्वाड ये बना, दो क्वाड हो गए, ये तीसरा क्वाड बना और ये चौथा क्वाड बना। अब ये अब बहुत से स्टूडेंट्स पूछ सकते हैं कि सर रिडंडेंट ग्रुप तो नहीं है? देखिए, जब तक कोई दो जैसे किसी के साथ आ गए लेकिन कोई एक या दो खाली है तो उसके साथ अगर आप उसको क्लब करा रहे हो तो रिडंडेंट ग्रुप नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर सारे जीरोस कहीं ना कहीं ऑक्यूपाई हो फिर भी आप उसमें एक गोला या कुछ ना कुछ खींच दे रहे हो तो रिडंडेंट ग्रुप होता है, ठीक है। तो हमने यहाँ बना लिया। इसके बाद हम लोग को क्या करना है? इसका हम लोग को निकालना है फाइनल रिड्यूस एक्सप्रेशन। फाइनल रिड्यूस एक्सप्रेशन कैसे निकलता है? हम लोग सारी चीज़ों को पहले कॉपी करेंगे, एम ज़ीरो इस तरह कर करके, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे? उसके बाद हम ये देखेंगे कि उसमें सेम कौन सा रह रहा है, जो उसे सेम रहता है उसको हम कॉपी कर देते हैं। उसके बाद सारे एक्सप्रेशंस को एक साथ लिखेंगे और फाइनली इस एक्सप्रेशन को देख करके इसका हम लॉजिक गेट बना देंगे, ठीक है। बस इस तरीके से देखिए कितने आराम से हो गया। अब देखिए हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 5। अब ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को मतलब अभी तक नहीं पढ़ाया है, तो इस क्वेश्चन को आप बहुत ध्यान से देखिएगा। और मतलब मैं जैसे अभी पेपर सॉल्व करा रहा हूँ, सब कुछ करा रहा हूँ, ये सारे क्वेश्चंस को मैं हर वीडियो से सोच रहा हूँ कट करके, जब हो जाएंगी एक अलग से वीडियो भी बना के डाल दूँगा, तो जिसको पर्सनली से यही देख ये पोर्शन देखना तो वो अलग से पोर्शन देख सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन 5 का ए देखते हैं। अ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इंस्टेंस टू गिव स्कॉलरशिप टू इट्स स्टूडेंट्स एज पर क्राइटेरिया गिवन बिलो। पहला है द स्टूडेंट हैज़ एक्सीलेंट एकेडमिक रिकॉर्ड बट इज़ फाइनेंशियली वीक, ठीक। एक्सीलेंट एकेडमिक रिकॉर्ड और फाइनेंशियली वीक, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। और दूसरी कंडीशन ये है, स्टूडेंट डज नॉट हैव एन एक्सीलेंट एकेडमिक रिकॉर्ड और बिलोंग्स टू बैकवर्ड क्लास। तीसरे में क्या, स्टूडेंट डज नॉट हैव एक्सीलेंट एकेडमिक रिकॉर्ड एंड फिजिकली इम्पेयर्ड, ठीक है। इनपुट आपके ए एफ सी आई है, 4 है, ठीक है। एक्सीलेंट एकेडमिक रिकॉर्ड है, फिर फाइनेंशियली साउंड है, सी है बिलोंग बैकवर्ड क्लास और आई है फिजिकली इम्पेयर्ड, ठीक। अब देखिए, मैं पर्सनली अपना बताता हूँ कि जब मैं पेपर दिया करता था तो मैं क्या कर देता था कि ए एफ सी आई मैंने लिखा और पेंसिल से मैं उसके ऊपर छोटा छोटा मतलब जैसे ए है तो मैं उस पर एकेडमिक हल्का से लिख लेता तो मुझे ध्यान रहता, एफ था तो मैं फाइनेंस या कुछ भी मतलब उससे रिलेटेड लिख देता ताकि मुझे ध्यान रहता, ठीक। सी से मैं क्लास लिख देता तो मुझे बैकवर्ड क्लास याद आ जाता, ठीक। आई से मैं इम्पेयर लिख देता तो मुझे समझ में आ जाता फिजिकली इम्पेयर्ड है, ठीक। उसके बाद देखिए, इसमें आपको क्वेश्चन को पढ़ते रहना है बार बार, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम लोगों को ये वो ये बता रहा है कि अगर इन केसेस में 1 आ रहा है तो इसका मतलब यस होता है और 0 आ रहा है तो इसका मतलब नो होता है, ठीक है। वो चीज़ हमको पता है। अब हमको इसके लिए ड्रॉ द ट्रुथ टेबल फॉर द इनपुट्स एंड आउटपुट्स गिवन एंड राइट द सॉप एक्सप्रेशन। हमको इसका सॉप एक्सप्रेशन लिखना है, ठीक है। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं। तो ये हमारा देखिए, ये अकेला 5 नंबर का होता है। इसके साथ फिर आपको ट्रुथ टेबल बनाने को आ जाती है, वो 3 नंबर की होती है, और बुलियन लॉस को सिंप्लीफाई करना आता है जो 2 नंबर का होता है, ठीक। तो हम लोग यहाँ पे करते हैं पहले। तो ए एफ सी आई मैंने लिखा, ठीक है, और ए एफ सी आई में मुझे जैसे मुझे भरना है 16 खाने बनेंगे, 01 01 01 01 इस तरह यहाँ पे करना है मुझे, फिर यहाँ पे 00 11 फिर 00 11 फिर यहाँ पे 4 0 4 1 करके और यहाँ पे फिर 8 0 8 1 इस तरह, ठीक है। ट्रुथ टेबल तो आप लोगों को बनानी आती है, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए, अब यहाँ पे एक हम लोग बना लेते हैं आउटपुट एक्स, उन्होंने दिया तो हम भी एक्स बनाएंगे।
एक्स क्या है, हमारा फाइनल आउटपुट मतलब रिजल्ट है, ठीक। अब यहाँ पे आप बहुत ध्यान से देखिए, हमको कंडीशन देखनी है। जैसे पहली कंडीशन है, स्टूडेंट हैज़ एक्सलेंट एकेडमिक रिकॉर्ड बट फाइनेंशली वीक, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सीलेंट एकेडमिक और फाइनेंशली वीक, तो इसका मतलब ए और एफ, ए और एफ जिसमें वन होगा वो यहाँ पे सही है। तो बहुत ध्यान से देखिए, ये जो आखिरी के चार हैं इसमें ये सही है, ठीक है, हो गया। इसके बाद दूसरा क्या है, स्टूडेंट डज नॉट हैव एन एक्सीलेंट एकेडमिक रिकॉर्ड एंड बिलोंग्स टू बैकवर्ड क्लास। तो इसमें देखिए, डज नॉट मतलब ये ज़ीरो होना चाहिए ए वाला, और बैकवर्ड क्लास मतलब यहाँ पे जहाँ पे वन होगा, ठीक है। तो ये देखिए, यहाँ पे तीसरा और चौथा ये ज़ीरो है और यहाँ पे ये वन है, ठीक है। और उसके अलावा यहाँ पे ये सातवा आठवा यहाँ पे भी सेम यही कहानी है, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद आपका क्या है, तीसरा वाला, स्टूडेंट डज नॉट हैव एन एक्सीलेंट एकेडमिक रिकॉर्ड एंड इज़ फिज़िकली इम्पेयर्ड। एकेडमिक रिकॉर्ड अभी भी अच्छा नहीं है, मतलब ए ज़ीरो होना चाहिए, और फिज़िकली इम्पेयर्ड मतलब आई वन होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दूसरा वाला, उसके बाद चौथा वाला, छठा और आठवां, ठीक। तो यहाँ पे देखिए, एक्स पे हमारे पास इतने कंडीशन सही आ गई, बाकी सारी कंडीशन गलत आ गई, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसके बाद हमको इन सारे एक्सप्रेशंस का क्या निकालना था, सॉप निकालना था, ठीक है। तो इन सारे एक्सप्रेशंस का हम लोग यहाँ पे सॉप एक्सप्रेशन लिख देंगे। सॉप एक्सप्रेशन, जैसे आप सॉप लिखते हैं वैसे ही आपको सॉप एक्सप्रेशन लिखना है सिंपली, ठीक है। ज़ीरो जहाँ पे होगा उसका मतलब कॉम्प्लीमेंट है, वन मतलब ओरिजिनल नंबर है, तो उसको आप एज इट इज़ वहाँ एक्स के आगे ही लिख लेंगे। एंड देन जैसे हम लोग कार्नो मैप में लिखते थे वैसे ही आप लिखेंगे, मतलब फाइनल ऑप्टेन एक्सप्रेशन, वहाँ पे फाइनल रिड्यूस एक्सप्रेशन था, या फाइनल ऑप्टेन एक्सप्रेशन या कुछ भी करके लिख लीजिए, या सॉप ऑफ गिवन एक्सप्रेशन करके लिख लीजिए। और ये जो भी जितनी भी एक्सप्रेशन आएंगी, जैसे हम लोग सॉप लिखते हैं सम ऑफ प्रोडक्ट्स, वैसे हम लोग प्रोडक्ट्स का सम लिख करके इसको लिख देंगे, दैट्स इट। ये करके आपका ये क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है। तो इसमें आपको ये चीज़ें बस देखनी है, आसान ये भी बहुत है, लेकिन बस ये है प्रैक्टिस होनी चाहिए, ठीक। अच्छा, अब ये वाला देखिए, बी आपका क्या है, Using truth table state whether the following proposition is tautology, contingency or contradiction। सबसे पहले आपको बताना चाहिए tautology, contingency, contradiction होता क्या है। Tautology means जो final truth table column है उसमें सारे वन आ रहे हों, contingency मतलब combination of zeros and one, और contradiction मतलब सारे zeros आ रहे हों, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखिए, ये है, इस expression को हमको बनाना है। सबसे पहले a भी बना लीजिए, फिर हमको a का negation की ज़रूरत पड़ेगी वो बना लीजिए। उसके बाद हमको क्या करना है, उसके बाद हमको करना है ए डॉट बी करना है, क्योंकि ये कंजंक्शन का साइन है। ए डॉट बी कर लीजिए, ए डॉट बी का निगेशन कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे क्या है, ए इनवर्स का मतलब यहाँ पे, तो ये कंडीशनल हो गया ना बी, तो इसका मतलब क्या होता है, ए इनवर्स प्लस बी, ए इनवर्स ऑलरेडी है तो मतलब ए प्लस बी, तो इसको हमने यहाँ कर लिया, और फाइनल हमने ये वाली एक्सप्रेशन कर ली। तो ये सारी एक्सप्रेशंस को जब हम सॉल्व कर लेंगे तो आखिरी ट्रुथ टेबल कॉलम में हमारा जो आएगा वो हमारा रिजल्ट है। लेकिन ये रिजल्ट ऐसे अभी फिनिश नहीं हुआ, बच्चे इतने पे छोड़ देते हैं, इतने पे आपको नहीं छोड़ना है। यहाँ पे देखिए, कॉम्बिनेशन ऑफ जीरोज एंड वन आ रहा है, तब आप यहाँ पे लिखोगे इट मींस दैट इट इज़ कंटिंजेंसी, या इट शोज कंटिंजेंसी बिकॉज इट इज़ कॉम्बिनेशन ऑफ जीरोज एंड वंस। इतना लिख करके आप रख दीजिए, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। ये लाइन लिखना मत भूलिएगा, भले ही आप इट इज़ कंटिंजेंसी यही लिख दीजिए, से अगर आप ज़्यादा नहीं लिख पा रहे हो, लेकिन लिखिएगा, ठीक है। अच्छा, तीसरी चीज़ है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशन यूजिंग बूलियन लॉज। अब एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना, एक सिंपल सी बात मैं आपको बता दूँ, एक्सप्रेशन आप सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हो, अगर आपको लॉज याद है तब। तो मैं आपको ये बता रहा था कि बूलियन लॉज को सिंपल सी चीज़ एक समझिए, सिंप्लीफाई करने आने के लिए बूलियन लॉज सारे बहुत अच्छे से याद होने चाहिए, ठीक। बूलियन लॉज आपको नहीं पता है, मेरी बूलियन लॉज वाली वीडियो देखिए, उसके बाद आप इस पर आइए। तो यहाँ पे आप देखिए कि जैसे ए डॉट ए इनवर्स प्लस बी है और सी डॉट ए प्लस बी है, ठीक। तो इस ए को पहले ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर दिए और सी वाले को दूसरे के अंदर कर दिए, ठीक है। तो हम लोग ये भी कर सकते हैं कि ए को हम डिस्ट्रीब्यूट कर दें, तो यहाँ पे हो जाएगा ए डॉट ए इनवर्स, और ये हो जाएगा ए प्लस ए बी, और ये हो जाएगा सी। और इस ए को अगर मैं डिस्ट्रीब्यूटर लगा के डिस्ट्रीब्यूट कर दे रहा हूँ
तो ये हो जाएगा ए इंटू ए प्लस ए बी। ठीक, अब ए डॉट ए इनवर्स 0 होता है और यहाँ पे ए बी हो गया, सी एज इट इज ए इंटू ए ए होगा। कौन सा लॉ है आपका, कौन सा है, इन्वोल्यूशन है। ठीक है, और यहाँ पे ये प्लस ए बी, अब यहाँ पे ए प्लस ए बी ए हो जाएगा एब्जॉर्प्शन लॉ। ठीक है, और यहाँ पे ए बी एज इट इज़ है और यहाँ पे सी हो गया। ठीक, तो यहाँ पे हो गया ए बी इंटू ए सी। अब फिर से क्या हो सकता है कि ए को हमने कर दिया तो ए इंटू ए और ये बी सी। अब ए इंटू ए जो आएगा आपका ये फिर से ए हो जाएगा, तो ए बी सी आखिरी में आपका रिड्यूस एक्सप्रेशन हो गया। ठीक है, समझ में आया आपको कि किस तरीके से आप एक्सप्रेशन को रिड्यूस कर सकते हैं। हाँ, कौन से स्टेप पे आपने कौन सा लॉ यूज़ किया है ये आपको साइड में लिखना मस्ट होता है। ठीक है, राइट हैंड साइड पे आप ज़रूर लिखिए कि हाँ मैंने इस स्टेप पे ये लॉ यूज़ किया, मैंने इस स्टेप पे ये लॉ यूज़ किया, इस तरह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन 6 का ए है व्हाट इज़ एनकोडर, ड्रॉ द एनकोडर सर्किट टू कन्वर्ट ए एफ डेसिमल नंबर टू बाइनरी स्टेट एंड एप्लीकेशन ऑफ मल्टीप्लेक्स। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और स्टूडेंट्स मुझे आप लोगों को बतानी थी कि मैं मतलब एक सेट टाइम कर लेते हैं ताकि आप लोगों को भी ध्यान रहे, 4 बजे से लेके 7 बजे के बीच में ही। और मैं कोशिश ये करूँगा कि जैसे आपकी क्लासेस होती हैं वैसे अलाइन कर दूँ कि 4 बजे से एक वीडियो, ठीक है, देन 4:30 या 4:40 पे मतलब जब भी वो ख़त्म हो उससे मतलब थोड़ा सा 10-15 मिनट के ब्रेक पे दूसरी वीडियो। ठीक, तो इस तरीके से मैं डेली कोशिश करूँगा, मिनिमम एक तो आएगी, मैक्सिमम मैं 2 की कोशिश करूँगा एक दिन में आप लोगों के लिए लाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे ए टू एफ हेक्साडेसिमल नंबर्स को हम लोगों को बाइनरी में रिप्रेजेंट करना है, मतलब इनकोडर बनाना है और व्हाट एप्लीकेशन और मल्टीप्लेक्स से बताना है। 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो इनकोडर क्या होता है, इनकोडर क्या होता है, इनकोडर में बहुत सारी इनपुट लाइंस होती हैं और उतनी ही मतलब अगर एन नंबर ऑफ इनपुट लाइंस है तो उसी हिसाब से हमारे आउटपुट भी होता है। ठीक है, दूसरी चीज़ अब आपको जैसे इनकोडर बनाना है तो एनकोडर तो हम बड़े आराम से बना सकते हैं, हमने पहले भी बना रखा है, हम लोगों को हेक्साडेसिमल वाला बनाना है तो हेक्साडेसिमल वाला एनकोडर हम वहाँ से बना लेंगे। अगर आपने वाली एनकोडर वाली वीडियो नहीं देखी है तो देख लीजिए, बाकी ये देखिए यहाँ पे मैंने एनकोडर आपको दिखा दिया। ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब देखिए बी वाला देखिए, डिफ्रेंशिएट बिटवीन हाफ एडर एंड फुल एडर एंड ड्रॉ द लॉजिक सर्किट डायग्राम फॉर फुल एडर। ठीक, हाफ एडर और फुल एडर, अच्छा हाँ एक चीज़ हो फ्रेंड्स, एप्लीकेशन ऑफ मल्टीप्लेक्सर बताना था मुझे, तो मल्टीप्लेक्सर के बारे में ये है, ये या तो इट इज़ यूज्ड फॉर शेयरिंग अ कॉमन बस या टू वे ट्रिगरिंग डिवाइस, आप कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, मल्टीप्लेक्सर के लिए। अच्छा यहाँ पे अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, डिफरेंशिएट बिटवीन हाफ एडर एंड फुल एडर, ड्रॉ द लॉजिक सर्किट डायग्राम फॉर फुल एडर। ठीक है, तो हाफ एडर में क्या होता है कि 2 बिट को ऐड करता है, ठीक है, और सम और कैरी में रिजल्ट करता है। फुल एडर क्या करता है, फुल एडर 3 को ऐड करता है, ए बी सी मान लीजिए, और ये भी सम और कैरी में रिजल्ट करता है। ठीक, अच्छा फुल एडर इज़ मेड अप ऑफ 2 हाफ एडर्स, ये भी आप लिख सकते हैं। तो ये एक तरीके से कह सकते हो थोड़ा बहुत डिफरेंस हो गया, एक्सप्लेन का एक्सप्लेन हो गया। इसके बाद हमको क्या करना है, हमको करना है ड्रॉ द लॉजिक सर्किट डायग्राम फॉर फुल एडर, तो फुल एडर का हम लॉजिक सर्किट डायग्राम बना देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हुई, दैट सेट। तो इस तरीके से देखिए कितने आसान तरीके से क्वेश्चन हुआ। अब सी वाला है, यूजिंग ओनली नैंड गेट ड्रॉ द लॉजिक सर्किट डायग्राम ए इनवर्स प्लस बी। अब देखिए नैंड और नॉर गेट ऐसे होते हैं, इनसे आप सारे गेट्स को ड्राइव कर सकते हैं और आप लोगों को सिखाया भी जाता है कि यूनिवर्सल गेट की ही मदद से आप अटेम्प्ट करिए। तो ये जो क्वेश्चन आता है ये होता 2 ही नंबर का है। ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन की बच्चे प्रैक्टिस नहीं करते हैं इसलिए बच्चे इसको पूरा छोड़ देते। देखिए मल्टीप्लेक्सर, इनकोडर, डिकोडर या ठीक है उनमें से कुछ आएगा, रटा रटाया क्वेश्चन है, हाफ एडर फुल एडर आएगा ही, रटा रटाया क्वेश्चन है। सिर्फ इस एक क्वेश्चन के चलते आप 2 नंबर का ये यहाँ पे ये अटेंड नहीं करते और इसको उठा लेते हो, ऊपर वाला कर लेते हो, ऊपर वाले में आपसे कुछ गलती हो जाती है तो आपके नंबर नहीं आते। ठीक, तो नैंड और नॉर से चीज़ें बनाना सीख लीजिए। ठीक है, कैसे वर्क करता है ये भी देखिए। अब देखिए जैसे मुझे नैंड से करना है, ठीक है, तो ए इनवर्स प्लस बी है, तो ए इनवर्स प्लस बी का अगर मैं पूरे का इन्वर्स करूँ और इस पूरे का भी इन्वर्स करूँ तो एक इन्वर्स को मैं तोड़ूंगा तो क्या हो जाएगा, ए इनवर्स का इन्वर्स प्लस बी इनवर्स, तो ए इनवर्स का इन्वर्स क्या हो जाएगा, ए प्लस
बी इनवर्स और पूरे का इनवर्स, ठीक। तो ए को एज इट इज़ मैं पास कराऊंगा, बी को मैं दो में बांट करके पास कराऊंगा इनवर्स के लिए, और इन दोनों को पूरे को फिर से एक से पास करा दूंगा, ठीक। तो इस तरीके से हल्का सा एक्सप्रेशन को हमको सॉल्व करना होता है, और एक्सप्रेशन को हल्का से सॉल्व करके हम उसको आराम से देखिए इस तरीके से एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो बस अब हमारा सेक्शन बी और सी बचा है। बी में है प्रोग्रामिंग, तो प्रोग्रामिंग हम लोग करेंगे अगली वीडियो में। बस ये वीडियो यहाँ तक की थी। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ इसको आप शेयर कीजिए। थैंक यू।